दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गूगल के जितने भी एप्स हैं, गूगल मैप, गूगल म्यूजिक, गूगल सर्च, प्ले स्टोर, ये सारी चीज़ें गूगल के हैं। और इसके साथ ही एंड्रॉयड की जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लॉलीपॉप, उसके बाद एंड्रॉयड ओरियो, ये सारी चीज़ें भी गूगल की ही हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बदले गूगल किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेता है मोबाइल कंपनियों से। लेकिन अब जो है, इन एप्स के लिए ये अब फ्री नहीं रहे, इनके बदले $40 यानी कि लगभग 2,900 रुपये के समथिंग मोबाइल कंपनियों को गूगल को देना पड़ेगा, तब जाके उन मोबाइल डिवाइसेस में ये एप्स यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है, चलिए हम जानते हैं इसके बारे में पूरी तरीके से। तो दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि इसी साल में जुलाई में गूगल के ऊपर जो है एक केस दर्ज हुआ था, और उसमें ये बोला गया था कि गूगल अपने बाकी मोबाइल डिवाइसेस में जबरदस्ती अपने एप्स को प्री इंस्टॉल्ड करवाता है ताकि वो प्रतिस्पर्धा में सबसे पहला रहे और उसकी सर्च विजिबिलिटी सबसे आगे रहे। तो इस तरीके से वो जो है आगे अपनी बढ़ा रही है विजिबिलिटी और अपनी सर्च कैटेगरी। तो दोस्तों, इससे जो है कंपटीशन में गूगल आगे जा रही है, और इसी के तहत जो है गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया गया था जो है 5.1 बिलियन यूरो यानी कि 5.1 बिलियन यूरो, जो कि होता है करीबन 344 अरब रुपए के समथिंग। तो दोस्तों, इतना रुपए का ये जो है गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया गया था, और ये गूगल के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। और इसी के मद्देनजर अब जो है गूगल ने एक नया नियम कायदा लाया है कि गूगल के जितने भी एप्स हैं वो अब फ्री नहीं रहे, वो अब हो गए हैं पेड। जी हाँ दोस्तों, और लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये भारत के लिए अभी नहीं है, ये दरअसल है नियम बनाया गया है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि गूगल के ऊपर जो इस मामले में यानी कि जुर्माना लगाया गया था वो यूरोपियन देशों में से लगाया गया था, और यूरोपियन देशों के लिए ही गूगल ने एक नया नियम लाया है कि गूगल के जितने भी एप्स हैं वो सभी एप्स वही यूज कर पाएंगे जिन कंपनियां ने गूगल को इसके लिए पैसे दिए हों। तो ये हो रहा है 29 अक्टूबर यानी कि इसी महीने से। तो 29 अक्टूबर से जितने भी एंड्रॉइड डिवाइसेस और आईफोन डिवाइसेस आएंगे, उनमें अगर गूगल के एप्स देने हैं तो उन मोबाइल कंपनियों को देने होंगे गूगल को $40 रुपए यानी कि जो करीबन पड़ता है 2,900 रुपए के समथिंग। तो इतने रुपए जब देंगे तभी गूगल के एप्स वहां पर यूज कर पाएंगे। हो सकता है इससे गूगल की जो सर्च है वो कम हो सकती है, उसकी जो रैंकिंग है वो कम हो सकती है, लेकिन गूगल ने ये फैसला लिया है खास करके उसके ऊपर लगाए गए 344 अरब रुपए के जुर्माने पर। जी हाँ दोस्तों, और इससे बाकी भारत देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में ये एप्स अभी भी फ्री रहेंगी। तो दोस्तों, गूगल एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में देता है, उसके बाद अपने एप्स देता है, तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही था। लेकिन इसका जो है कुछ लोगों ने उस पर जुर्माना करके केस करके गूगल को जो है ना जबरदस्ती यानी कि ला खड़ा कर दिया इस तौर पे कि उसे अब अपने फ्री एप्स देने पड़ेंगे पेड एप्स में। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपकी इस बारे में क्या राय है ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।